पिछले कुछ वर्षों की तुलना में इस वर्ष लगातार बढ़ती जा रही भीषण गर्मी और धूप की तपिश ने लोगों को हलाकान कर रखा है। जहां कंठ सुखा देने वाले इस भीषण गर्मी में मौसमी फलों के जूस सूखे कंठ को न सिर्फ तर कर रहे थे बल्कि स्वादिष्ट जूस गर्मी में लोगों को काफी राहत भी पहुंचा रहे। लेकिन ताजा, ठंडा और मीठे के नाम पर जगह जगह बिकने वाला यही जूस आपको बीमार और बहुत बीमार बना सकता है, क्योंकि गली मोहल्ले चौक चौराहे और फुटपाथ पर बिकने वाले फलों के यही जूस किसी फल का रस नहीं बल्कि केमिकल है, और यही केमिकल वाले जूस आपको बहुत अधिक बीमार कर सकता है। वही यही जूस लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव भी डाल रहा है, जिससे बचने की सलाह भी चिकित्सकों के द्वारा दी गई है। बढ़ती गर्मी की तपन के साथ ही इस वर्ष फिर जिले में सस्ते जूस का कारोबार शुरू हो गया। इस बार भी फलों के दाम भले ही आसमान छू रहे हो, लेकिन बाजारों में इनका रस सस्ते में बेचा जा रहा है। इन दिनों गर्मी बढ़ने के साथ ही जिले में नकली जूस का भी कारोबार जमकर फल फूल रहा है। धड़ल्ले से जोरों पर चल रहे जूस के इस व्यापार में स्वाद तो आम या अन्य फलों का होता है, लेकिन हकीकत में रसायन ही रहता है। विगत खाद्य विभाग के द्वारा की गई जाँच में प्रमाणित भी हो चुका है। जूस में आम नहीं के बराबर और सेक्रिन अरारूट जैसे केमिकल अधिक मात्रा में होते हैं। विशेषज्ञ के अनुसार इससे लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है। बात अगर बालाघाट नगर की करें तो शहर में आम 80 से 100 रुपए के लिए बिक रहा है, जबकि उसका जूस महज 20 रुपए गिलास में परोसा जा रहा है। यदि 1 किलो आम खरीदकर उसका जूस भी निकाले तो 20 रुपए गिलास के हिसाब से 5 गिलास जूस ही नहीं निकलता। ऐसे में उन्हें मीठा करने, बर्फ से ठंडा करने, मशीन, विद्युत खर्च, नौकरों का खर्च, फल की कीमत, जूस सेंटर संचालक की रोजी रोटी, बैठक व्यवस्था, ग्लास, स्टोर पाइप सहित अन्य चार्ज और स्वयं मेहनत को लागत जोड़ा जाए तो आम का जूस 100 रुपए प्रति गिलास के ऊपर होना चाहिए, लेकिन वही जूस लोगों को महज 20 रुपए प्रति गिलास में मिल रहा है। मतलब साफ है कि इसमें मिलावट हो रही है, और मिलावट कर जूस के नाम पर लोगों को केमिकल पिलाकर उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बात केवल आम के दाम के और उसके सस्ते जूस की नहीं बल्कि अन्य फलों के जूस या रस में भी कुछ ऐसा ही किया जा सकता है। 80 से 100 रुपए किलो बिकने वाले रसीले आम के अलावा अनार 140 से 160, संतरा 70 से 80 रुपए, मौसम्बी 90 से 100 रुपए, अंगूर 120 से 130, अनानास 60 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। लेकिन कुछ सड़क किनारे फुटपाथ पर खोले गए जूस सेंटरों में खासकर आम जूस 20 से 25 रुपए में उपलब्ध है, तो वहीं अन्य फलों के जूस भी काफ़ी सस्ते में बेचे जा रहे हैं। इस तरह डेयरी में दही की कीमत 60 से 80 रुपए प्रति किलो, वहीं लस्सी आइसक्रीम क्यूब के साथ साथ 25 से 30 रुपए गिलास में आसानी से मिल रहे। इससे साफ समझा जा सकता है कि दुकानदार कितनी ईमानदारी से जूस बेच रहे हैं। बाजारों में मिलने वाले गन्ना रस पीने में भले ही स्वादिष्ट हो, लेकिन इसमें भी कई गन्ना रस ठेले वाले मिलावट से बाज नहीं आ रहे। पूर्व में गन्ना रस का व्यापार कर चुके शहर के एक व्यक्ति ने नाम व पहचान उजागर न करने की शर्त पर हमें बताया कि गन्ने की मिठास को बढ़ाने के लिए संचालक शेकरिन के पानी का उपयोग करते हैं। पैसे कमाने के चक्कर में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने में दुकानदार कोई कसर नहीं छोड़ रहे। महंगे फल होने के बावजूद भी उन फलों से निकलने वाले जूस सस्ते में बिक रहे हैं, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जूस सेंटर संचालक जूस में ऐसा क्या मिला देते हैं कि जूस इतना सस्ता हो जाता है। खाद्य एवं औषधि प्रसाधन विभाग के निरीक्षक बाजिद मोहिब की माने तो जूस सेंटर के संचालकों के विभाग से NOC लेकर ही जूस सेंटर चलाया जा सकता है। वर्तमान समय में करीब 4 सैकड़ों ने पंजीयन कराया है, इनमें 20% जूस सेंटरों में मिलावट का खेल चल रहा है। चिकित्सकों की माने तो एसेंस व केमिकल मिलावट से बनने वाला रस शरीर में डायरिया, लीवर, पेट दर्द आदि बीमारी को जन्म देता है, इसलिए लोगों को फल खरीद कर घर पर ही इसका जूस निकाल कर पीना चाहिए। जब इस पूरे मामले में दूरभाष पर की गई चर्चा के दौरान जिला खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षक वाजिद मोहिम ने बताया कि उनके यहाँ से करीब 4 सैकड़ा संचालकों ने जूस सेंटर का पंजीयन कराया। पूर्व में की गई जाँच के दौरान आम जूस में आम कम और बर्फ अधिक होना पाया जा चुका है। इस बार 20 से 25 स्थानों के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। रिपोर्ट अभी आना बाकी है।